तो दोस्तों, यदि आप मेरे जैसे ही एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं और महीनों में लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, तो इस केस में आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको ये दिखाने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से एक न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, चाहे किसी भी टाइप का गेम हो, उस गेम को यदि आप अच्छे तरीके से खेल लेते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपना गेम प्ले का वीडियो रिकॉर्ड करके थोड़ा एडिटिंग करके यूट्यूब पे छोड़ सकते हैं और लाखों रुपया कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यूट्यूब पे वीडियो छोड़ने के लिए आपको अपना एक चैनल क्रिएट करना होगा, और चैनल बनाने के लिए आपको चार चीजें रेडी करना होगा। एक तो ये है कि सबसे पहले आपको एक न्यू ईमेल आईडी बनाना होगा। तो ईमेल आईडी बनाने का भी एक सही तरीका है, जो कि आप सबको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा नाम भी ढूंढना होगा। तो नाम ढूंढने का भी एक सही तरीका है। तो सही तरीके से यदि आप नाम नहीं ढूंढेंगे, तो ऐसे में आगे जाके प्रॉब्लम भी हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको अपना चैनल के लिए एक अच्छा सा लोगो और एक बैनर भी बनाना होगा। तो 2 मिनट के अंदर कैसे आप अपने चैनल के लिए एक अच्छा सा लोगो और एक बैनर बना सकते हैं, ये भी आप सबको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, चैनल बना लेने के बाद चैनल के अंदर काफी सारे सेटिंग्स भी करना होता है। तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर आप सबको सही से दिखाया है और समझाया है। तो इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहना है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सुजन और आप देख रहे हैं टेक्निकल टॉप सपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए है, तो अपने दिल से एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक न्यू ईमेल आईडी बनाना होगा। कई लोग क्या करते हैं कि अपने फोन में पहले से ही जो ईमेल आईडी रहता है, उसी ईमेल आईडी से ही अकाउंट बना लेता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक न्यू ईमेल आईडी बनाना है। तो इसके लिए सिंपली से आपको अपने फोन में अपना जीमेल ऐप ओपन करना है, उसके बाद इस लोगो वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है और यहाँ पे नीचे ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन पे प्रेस करना है और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद फॉर माईसेल्फ पे प्रेस करना है और यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम और सरनेम डालना है। तो यहाँ पे कई लोग गलती कर देते हैं कि अपना निक नेम ही यहाँ पे डाल देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपका जो रियल नेम है वही आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है और यहाँ पे अपना रियल डेट ऑफ बर्थ डालना है। मतलब दोस्तों, आपके आईडी पे जो भी आपका रियल नेम और डेट ऑफ बर्थ है, उसी से ही दोस्तों आपको ईमेल आईडी बनाना है। उसके बाद अपना जेंडर सेट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 डेमो ईमेल आईडी दिखाया जाएगा, तो इनमें से किसी भी ईमेल आईडी को आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस पे क्लिक करके आप अपना खुद का ईमेल आईडी खुद से ही बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है और अपना ईमेल आईडी के लिए एक पासवर्ड बना लेना है। तो पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए और जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे, वो पासवर्ड आप कहीं पे लिख के रख लीजिएगा। तो पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है, यस आई एम इन पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखेगा, तो आप यहाँ पे इस ईमेल आईडी को कहीं पे लिख के रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आई एग्री पे प्रेस करना है। तो ऐसे में जो भी ईमेल आईडी आपने बनाया है, उस वाला ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन हो जाएगा। जैसे कि इस लोगो पे क्लिक करने पर जो ईमेल आईडी मैंने बनाया है, वो यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। तो इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ईमेल आईडी के अंदर लॉगिन कर लूंगा। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको एक न्यू और फ्रेश ईमेल आईडी बना लेना है अपना चैनल के लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस ईमेल आईडी से आप चैनल बनाएंगे, वो ईमेल आईडी कहीं पे भी यूज मत कीजिएगा, इसके अलावा किसी को भी मत दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना चैनल के लिए एक अच्छा सा नाम सोचना है। लेकिन दोस्तों, जो भी नाम आप सोचेंगे, उस नाम से तुरंत चैनल मत बना लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जिस नाम से आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, उस नाम से पहले से ही कोई बड़ा चैनल है या नहीं। यदि है, तो ऐसे में आप उस नाम से चैनल मत बनाइएगा, नहीं तो दोस्तों आगे जाके आप अपना चैनल का यूआरएल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उस नाम से जो बड़ा वाला चैनल है, उसका यूआरएल पहले से ही बना रहेगा। तो जो भी नाम आप अपने चैनल पे रखना चाहते हैं, उस नाम से कोई बड़ा वाला चैनल है या नहीं, ये जानने के लिए सिंपली से आपको अपना यूट्यूब ऐप ओपन करके सर्च बार में उस नाम से सर्च कर लेना है। तो मान लीजिए कि आप अपना चैनल का नाम रखना चाहते हैं गेमिंग
गुरु। चलिए यहाँ पे गेमिंग गुरु डाल के सर्च करके देखते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा बड़ा चैनल है या नहीं। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गेमिंग गुरु नाम से पहले से ही एक बड़ा चैनल है। जैसे कि इनका सब्सक्राइबर आप सब देख सकते हैं 11,40,000 है, इसका मतलब ये वाला चैनल बड़ा चैनल है। इसके अलावा चलिए यहाँ पे और एक नाम डाल देते हैं, तो इस बार मैंने यहाँ पे डाला है गेमिंग राजा। चलिए देखते है, तो भाई लोग गेमिंग राजा नाम से भी यहाँ पे पहले से ही चैनल बना हुआ है। तो भाई लोग आपको एक ऐसा नाम ढूंढना है जिस नाम से पहले से ही कोई YouTube चैनल बना हुआ ना हो। जैसे कि फिर से मैंने यहाँ पे गेमिंग भाई से सर्च किया, तो ऐसे में ये देखिए पहले से ही गेमिंग भाई नाम से चैनल बना हुआ है। तो इस बार मैं यहाँ पे डालूंगा गेमिंग बुक। चलिए यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं, तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि गेमिंग बुक नाम से एक भी चैनल यहाँ पे नहीं है। यदि होता तो पहले नंबर पे ही आ जाता। इसके अलावा इस थ्रीडॉट पे क्लिक करके फिल्टर वाला ऑप्शन पे प्रेस करके यहाँ पे टाइप वाला ऑप्शन पे क्लिक करके चैनल पे सर्च करते हैं, इसके बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो गेमिंग बुक नाम से तो पहले से ही यहाँ पे चैनल बना हुआ है, लेकिन दोस्तों ये बड़ा वाला चैनल नहीं है, बहुत छोटे छोटे चैनल है। तो आप लोग सब्सक्राइबर देख के पता कर लीजिएगा कि चैनल बड़ा है या फिर छोटा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे गेमिंग बुक नाम से अपना चैनल बना सकता हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपना एक परफेक्ट नाम चूज कर लीजिएगा चैनल के लिए जिस नाम से पहले से ही कोई बड़ा वाला अकाउंट ना बना हुआ हो। उसके बाद दोस्तों अपने चैनल का लोगो बनाने के लिए आप गूगल से एक अच्छा सा फोटो ले लीजिएगा। इसके अलावा आप अपना खुद का फोटो से ही लोगो बना सकते हैं। जैसे कि भाई लोग मैंने यहाँ पे गूगल से एक फोटो उठा लिया है, चलिए अभी इसी फोटो के माध्यम से ही लोगो बना के आप लोगों को दिखाते हैं। तो सिंपली से आप प्ले स्टोर से पिक्स अर्थ ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद सिंपली से आप ओपन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, एडिट एंड फोटो पे क्लिक करना है और उस फोटो को यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करना है, तो ऐसे में यहाँ पे सेव मास्क का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे काफी सारे सेव देखने को मिलेगा, तो इनमें से पहले नंबर पे ही ये जो राउंड वाला सेव है इसे आपको ले लेना है। उसके बाद इस तीर के निशान पे क्लिक करके थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करके राउंड को अच्छे तरीके से लगा लेना है। उसके बाद बीजी कलर पे प्रेस करना है और यहाँ पे रेड कलर चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे ओपेसिटी नाम का जो ऑप्शन है इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 100% कर देना है। उसके बाद यहाँ पे राइट करना है। उसके बाद यहाँ पे कट आउट पे प्रेस करना है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे आउटलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे सिंपली से दबा देना है और दोस्तों अपने उंगली से इस लोगो पे आउटलाइन बना लेना है कुछ इस टाइप से राउंड करके, ठीक है। उसके बाद इस आइकन पे क्लिक करना है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे रेड वाला पार्ट काट हो चुका है। उसके बाद राइट करना है और यहाँ पे दोस्तों अपना चैनल का नाम भी यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ गेमिंग बुक, जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद सेव कर लेना है। तो ऐसे में आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो लोगो है वो यहाँ पे मेरे गैलरी पे सेव हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों तुरंत एक लोगो आप बना सकते हैं। उसके बाद चैनल बनाने के लिए आपको एक ऐप रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है दोस्तों कैनवा, जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। तो इस ऐप को सिंपली सा प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा और ओपन करिएगा, तो ऐसे में आपके सामने यूट्यूब बनर देखने को मिलेगा। इस पे आप सिंपली से क्लिक करिएगा, तो ऐसे में आपके सामने काफी सारे बनर दिखाया जाएगा। तो इनमें से आप किसी भी एक बनर को चूज करिएगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने तरीके से थोड़ा डिजाइन कर लीजिएगा। जैसे कि भाई लोग इस बनर को मैं लेना चाहता हूँ, चलिए यहाँ पे इस प्लस वाला आइकन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे गैलरी पे प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे गैलरी ओपन हो चुका है। तो जो लोगो मैंने बनाया है उस लोगो को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करके ऐड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो गेमिंग टाइम पहले से ही लिखा हुआ है इस पे प्रेस करके इसे हटा के मैं अपने चैनल का नेम डाल दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे गेमिंग बुक डाल दिया है। उसके बाद और एक फोटो मैंने यहाँ पे ले लिया है जो कि मेरा ही फोटो है। तो आप लोग ऐसे ही कुछ इस टाइप से और अपने तरीके से इससे भी अच्छा बैनर बना सकते हैं, तो आप बना लीजिएगा। उसके बाद इस तीर के निशान पे क्लिक करिएगा, तो ऐसे में बैनर सेफ हो जाएगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे ये सेफ हो चुका है, तो न्यू ईमेल आईडी भी बन गया और चैनल का नेम भी ढूंढ लिया, लोगो भी बन गया और बैनर भी बना लिया। इसका मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे फुल रेडी हूँ चैनल बनाने के लिए। चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आप लोग यूट्यूब चैनल बना सकते हैं 2023 में। तो इसके लिए आपको अपने फोन में अपना यूट्यूब ऐप ओपन करना है। उसके बाद इस लोगो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस तीन के निशान पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे आपको यूट्यूब के ऐप के अंदर लॉगिन होना है जिस ईमेल आईडी को आपने चैनल बनाने के लिए बनाया है। जैसे कि दोस्तों ये रहा मेरा वो ईमेल, तो इस पे मैं सिंपली से क्लिक कर दूंगा, तो यूट्यूब ऐप के अंदर इस वाले ईमेल से लॉगिन हो जाएगा। तो न्यू ईमेल आईडी से यूट्यूब ऐप पे लॉगिन होने के बाद यहाँ पे इस लोगो पे क्लिक करना है और यूर चैनल पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा, तो आपको यहाँ पे नेम डालने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वो नेम डाल देना है जिस नेम से आप अपना चैनल बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली से डाल दूंगा गेमिंग बुक, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। तो ऐसे में यहाँ पे नेम ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हैंडल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे प्रेस करना है। तो पहले से ही दोस्तों आपका हैंडल बना हुआ रहेगा, तो यदि आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो भाई लोग हैंडल का मतलब ये होता है कि आपका जो भी हैंडल होगा वो यूट्यूब पे डाल के यदि कोई सर्च करता है तो आपका ही चैनल दिखाया जाएगा। तो हैंडल आप यहाँ पे सही से डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट चैनल पे
प्रेस कर दीजिएगा, तो ऐसे में दोस्तों आपका जो चैनल होगा वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे YouTube चैनल क्रिएट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे इस पेंसिल पे क्लिक करना है और इस लोगो पे प्रेस करना है, उसके बाद अपना लोगो यहाँ पे चूज कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पे प्रेस कर देना है। तो ऐसे में दोस्तों लोगो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करना है और जो भी बैनर आपने बनाया है उस वाले बैनर को चूज कर लेना है और यहाँ पे कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे में दोस्तों आपके चैनल पे लोगो और बैनर ऐड हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चैनल यूआरएल बन चुका है, तो जो भी आपका हैंडल होगा वही दोस्तों यहाँ पे चैनल यूआरएल बन जाएगा। तो इस वाले लिंक को ये जब कॉपी करके किसी को भेजते है और इस लिंक पे यदि वो क्लिक करते है तो ऐसे में आपका जो चैनल होगा वो ओपन हो जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप बहुत ही आसानी के साथ एक यूट्यूब चैनल बना सकते है। लेकिन दोस्तों यूट्यूब चैनल बना लेने के बाद इसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स करना होता है, नहीं तो आप चैनल नहीं चला पाएंगे। तो कौन सा है वो सेटिंग और कैसे आपको करना है, चलिए अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको अपने फोन में अपना क्रोम ऐप ओपन करना है। लेकिन दोस्तों क्रोम ऐप ओपन करने से पहले आप अपने फोन में अपना सेटिंग्स ऐप को ओपन करिएगा, उसके बाद एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे मैनेज एप्स पे प्रेस करिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्रोम ऐप को ढूंढ लेना है, जैसे कि ये रहा मेरा क्रोम ऐप, इस पे प्रेस करना है। उसके बाद इसके अंदर दोस्तों स्टोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे प्रेस करना है और यहाँ पे क्लियर डाटा कर देना है। दोस्तों यदि आप यहाँ पे क्लियर डाटा नहीं करेंगे तो ऐसे में दोस्तों आप यूट्यूब के डैशबोर्ड के अंदर नहीं जा पाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये क्लियर डाटा कर दिया है। उसके बाद सिंपली से आपको अपने फोन में अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, सर्च बार में टाइप करना है क्रोम, उसके बाद क्रोम ऐप पे यदि अपडेट दिया गया है तो अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद सिंपली से आप ओपन करिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे ईमेल आईडी दिखेगा, इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उस ईमेल आईडी से लॉग इन करना है जिस ईमेल आईडी से आपने यूट्यूब अकाउंट बनाया है। उसके बाद यस आई एम इन पे क्लिक करना है, तो क्रोम ऐप के अंदर आपका उस वाले ईमेल आईडी से लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है youtube.com, उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे तीर के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे प्रेस कर देना है। तो ऐसे में आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा, तो सिंपली से आपको यहाँ पे इस लोगो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यूर चैनल पे सिंपली से प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज चैनल पे प्रेस करना है, तो ऐसे में आपके सामने यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे मेरा यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो चुका है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या क्या सेटिंग्स करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो इसके लिए सिंपली से आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आपके सामने कुछ इस टाइप से दिखाया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे है जनरल, जहाँ पे करेंसी दिखाया गया है तो आपको यहाँ पे यूएस डॉलर ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे चैनल पे प्रेस करना है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेसिक इन्फो के अंदर कंट्री दिया गया है, इस पे प्रेस करना है और अपना कंट्री सेट करना है। तो मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपली से इंडिया चूज कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेन सेटिंग्स दिया गया है जो की है दोस्तों कीवर्ड। तो भाई लोग इसके अंदर क्या डालना है, तो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर दोस्तों आपको अपना चैनल का नेम डालना है। दोस्तों यदि आप यहाँ पे कीवर्ड नहीं डालेंगे तो ऐसे में यदि कोई आपका चैनल का नेम दे करके YouTube पे सर्च करते हैं तो सर्च लिस्ट में आपका चैनल नहीं आएगा। तो सर्च लिस्ट में चैनल को लाने के लिए कीवर्ड्स डालना ही होगा। तो आप यहाँ पे आपका चैनल का नेम दो बार डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिएगा, तो ऐसे में कीवर्ड सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे नीचे आना है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इनमें से आपको यहाँ पे सेकेंड नंबर पे जो नो सेट दिस चैनल एज नॉट मेड फॉर किड्स, तो इस पे आपको टिक मार्क लगा देना है, मतलब आप जो वीडियो बनाएंगे वो बच्चों के लिए नहीं है। यदि आप बच्चों के लिए ही वीडियो बना रहे हैं फिर भी आप इसी ऑप्शन को ही चूज करिए, क्योंकि किसी भी बच्चे का खुद का मोबाइल नहीं होता, वो उनका मम्मी पापा का मोबाइल लेके ही वीडियो देखता। उसके बाद इस बॉक्स पे आपको टिक मार्क लगा देना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों यदि आप अपने वीडियो के अंदर कोई गंदा बात बोल देते है तो ऐसे में वो सब टाइटल के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माई कॉन्टेंट पे टिक मार्क लगा देना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका जो व्यूअर्स होगा वो आपके वीडियो का पार्ट काट करके उसके चैनल पे छोड़ सकते हैं, इससे आपका ही नाम बढ़ेगा। तो ऐसे में आप यहाँ पे इसे टिक मार्क ही रहने दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है फ्यूचर एलिजिबिलिटी, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर के स्टैंडर्ड फ्यूचर्स पहले से ही इनेबल दिखेगा, तो आपको यहाँ पे नीचे आना है। उसके बाद दो नंबर पे जो ऑप्शन दिया गया है इसे आपको यहाँ पे एलिजिबल करना है, क्योंकि दोस्तों ये वाला ऑप्शन मतलब ये वाला सेटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पे इसे इनेबल नहीं करेंगे तो ऐसे में आप 15 मिनट से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा दोस्तों थंबनेल भी नहीं लगा पाएंगे, इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर पे प्रेस करिएगा। तो भाई लोग आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर वेरीफाई करना होता है, उसके बाद दोस्तों ये वाला ऑप्शन एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि भाई लोग इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट और कॉल मी का ऑप्शन दिया गया है, तो टेक्स्ट पे आपको टिक मार्क लगा देना है और यहाँ पे नीचे
इंडिया पहले से ही सिलेक्ट है, तो आपको यहाँ पे सिंपल से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे गेट कोड पे प्रेस करना है। तो ऐसे में आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी दिया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पे आपको सिंपली से डाल देना है और सबमिट कर देना है। तो ऐसे में दोस्तों ये वाला ऑप्शन एलिजिबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है और थर्ड नंबर के जो सेटिंग्स दिया गया है इसे भी आपको यहाँ पे एलिजिबल करना है। तो इसके लिए इस पे आपको सिंपली से क्लिक करना है। तो भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको यहाँ पे आपका वीडियो वेरिफिकेशन करना होगा। दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके यूज वीडियो वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे टिक मार्क लगा के जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ऐसे में आपके ईमेल पे एक मेल किया जाएगा जिसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे कि भाई लोग यहाँ पे गेट ईमेल करना है, उसके बाद यहाँ पे डन कर देना है। उसके बाद सिंपली से आपको अपने फोन में अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है, उसके बाद जीमेल सर्च करना है, उसके बाद जीमेल ऐप यदि अपडेट दिया गया है तो अपडेट करना है, उसके बाद ओपन करना है। उसके बाद जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल की तरफ से मुझे यहाँ पे एक मेल किया गया है, तो इसे ओपन करते हैं। तो ऐसे में भाई लोग यहाँ पे आपको अपना वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे स्टार्ट वेरिफिकेशन पे प्रेस करना है, उसके बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपना फेस का एक वीडियो बना लेना है 30 सेकंड का, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे आई एग्री करना है। उसके बाद आपका फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप अपना फेस का 30 सेकंड वीडियो बना लीजिएगा और सबमिट कर लीजिएगा। तो ऐसे में दोस्तों ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई लोग और एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, चलिए अभी आप लोगों को बता देते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स पे क्लिक करना है। तो ऐसे में भाई लोग आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है लाइसेंस, तो इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस पे ही रहने देना है। उसके बाद साइड में है दोस्तों कैटेगरी, दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो भाई लोग कौन से कैटेगरी में आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे चूज करना है। तो यदि आप गेमिंग चैनल बनाना चाहते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे गेमिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये वाला सेटिंग्स आपको करना ही करना है यदि आप गेमिंग चैनल चलाना चाहते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ बेसिक सेटिंग्स जिसको आपको करना ही है, नहीं तो आप अपना चैनल नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सब ने ये जान लिया है कि आप अपने मोबाइल के माध्यम से एक न्यू और फ्रेश यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने चैनल पे किस टाइप से वीडियो अपलोड करता हूँ यदि आप सब सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप सब देख के सीख लीजिएगा। सो भाई लोग आज के इस वीडियो के अंदर बस ये बताना था, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा और फिर मन में कोई सवाल होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ ही में बेल आइकन दबा के ऑल पर सेट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, मिलते हैं अगला वीडियो पर।